कौन कहता है कि मोता ही तो मर जाऊंगा। मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा। आई एम अ पिंडी बॉय, हम इशारे नहीं तोड़ते, नाका देख कर कभी गाड़ी नहीं मोड़ते, शादियों पे हम वाई फायर नहीं खोलते, और ये सोशल मीडिया वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हम पे जुल्म किया जा रहा है, नाकों पे हमें तंग किया जा रहा है, बाइकों को हमारी बंद किया जा रहा है, और एक नंबर से मुझे तंग किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपके मीडिया के लिए एक छोटे से अल्फाज और खूबसूरत शब्दों में लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी सर्कल किया है, जितना भी सर्वे किया है, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, आपके मीडिया के लिए देखा है, मैं अपने मीडिया के भी लिंक, अपने मीडिया के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो लिंक आपने जरूर देखने हैं। और डेली के बुलेटिन देखा करें आप, डेली की आप हेडलाइन देखा करें। हम लोग, हमारा मीडिया कभी भी आपके इंडिया का वीडियो नहीं बनाएगा, कभी भी आपके इंडिया की न्यूज नहीं दिखाएगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो आपके मुल्क में दखल अंदाजी नहीं करेगा। मैंने आपके काफी दिन से ABN शायद न्यूज है, जी न्यूज है, काफी सारे मेरे पास न्यूज चैनल हैं जिनको मैं तकरीबन डेली चेक करता हूँ, मेरे पास उनकी नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उनमें एक दो वीडियो जो हमारे होते हैं ना, वो पक्के पाकिस्तान के लिए होते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इंडियन लोग, जिन लोगों के दिमाग सिर्फ और सिर्फ मीडिया के वजह से बंद है ना, जो लोग मीडिया के वजह से ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है और पाकिस्तान ऐसा है, उन लोगों के लिए खास करके वीडियो मेरा बहुत स्पेशल है। और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बहन हैं, भाई हैं, जो मेरे फैन हैं, इस वीडियो को कम से कम इतना जरूर शेयर करना कि आप लोगों के जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी आपका मीडिया, कम से कम उसमें से एक में जाए। एक मीडिया का बंदा भी अगर आपका सही हो जाता है, एक मीडिया का बंदा भी आपका हक सच पे आ जाता है ना, तो ये जो आप लोगों के मुल्क में तजाब फेंके जा रहे हैं, लड़कियों पर मार रहे हैं, लड़कियों को ये कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। आपके मतलब RSS वाले, PGP वाले ऑनलाइन आके बैठते हैं, मीडिया पर बैठते हैं और इतने घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए, अपने इंडिया को बदनाम करते हैं। खैर, वो इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपका मीडिया उनको दिखाता है, उनको पॉपुलर करता है। मोदी हो गया, योगी हो गया, ये सब मतलब देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यही लोग हैं जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ करते हैं। अभी जब ये देखें आपके, ये सिद्धू जो है, सिद्धू पाजी पाकिस्तान में आए, अभी सिद्धू पाजी, ये जरा सुन ले आप, फिर मैं बात करता हूँ। सिद्धू पाजी पाकिस्तान आए, माशाल्लाह से पाकिस्तान में उनको बहुत इज्जत मिली, आर्मी चीफ साहब खुद ने वेलकम करने बाबे आजादी पर गए, वेलकम किया, उनको इज्जत से लेके आए। 35 साल से सिद्धू साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं और वो दोस्ती निभाने पाकिस्तान आए, कर अच्छा मैसेज लेके आए पाकिस्तान के लिए कि चलो शायद मेरे आने से पाकिस्तान और इंडिया की दूरियां थोड़ी कम हो जाए, हम भी कोशिश करते हैं इसी तरह करते रहेंगे कि यार किसी तरह हम नज़दीक आते जाएं और हमारा जो दूरी है वो कम होती जाए। सिद्धू साहब ने कोशिश की, उन्हें बड़ा वेलकम किया गया, बहुत इज्जत दी गई, आर्मी चीफ तक खुद उनके साथ बैठे, हमारे वजीर आजम साहब, इमरान खान साहब बैठे, तमाम स्टाफ उनका उनके साथ बैठा। तो यही इज्जत होती है। अगर इसी तरह मोदी साहब जब आते हैं तो तब वहाँ इंडिया में कोई शोर शराबा नहीं होता, जब भी कोई भी सेलिब्रिटी, स्टार, कोई भी पाकिस्तान आता है तो किस तरह रोला डल जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने मीडिया के खिलाफ थोड़ा सा स्टैंड करें, उन्हें समझाएं कि प्लीज ये काम मत करें। इंडिया का मीडिया हमेशा मतलब अवाम को बजाय इसके उठाने के बिठाने के चक्कर में रहता है, कभी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। तो आपको चाहिए कि कम से कम इनके आगे थोड़ा बोलें, इनको समझाएं। आपके ये आपके पास सबसे बड़ी ताकत इस टाइम सोशल मीडिया है, मीडिया में रहकर आप इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आपको चाहिए कि आपका मीडिया देखें सिर्फ प्रोपोगंडा, सिर्फ पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तानी ऐसे, फलां ऐसे। यार ये लोग जो आ रहे हैं, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान कैसा है, हमेशा से खुश होके जाते हैं,
तो खुदा के वास्ते बहुत रिक्वेस्ट है आपके साथ कि कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो बढ़ने दे। कोई भी नज़दीक आना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, कोई हमें इससे नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे आए, दोनों मिल के काम करें। तो कोशिश करें, आप भी, आप आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा करें कि शायद कोई हमारे कदम बढ़ाने से कोई आगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो मीडिया ना, इसको जगाना है। मीडिया अगर आपका एक चैनल भी अच्छा सच पे चलता है ना, तो मेरे ख्याल में आपकी बहुत पावर बनती है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल होता है, इस पे जितनी ताकत है ना वो किसी पे भी नहीं है। अभी हमारे आप देखें, नवाज शरीफ साहब ने कितना कुछ किया हुआ था, कितना गंद बनाया हुआ था, क्या कुछ किया हुआ था, लेकिन उसमें एक दो मीडिया के चैनल उनके साथ थे, बाकी मीडिया जो था वो सच के साथ था। उसमें करते 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 इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी मतलब सच्चाई पर चले, काफी मीडिया उनका साथ देना शुरू कर दिया। मतलब अभी ये टाइम हो गया कि नवाज शरीफ साहब जेल में, आपको पता है वो तो मोदी का यार है, तो वो गद्दार ही है, मतलब मोदी भी गद्दार ही है। ये दोनों कभी चाहते नहीं थे कि मतलब इंडिया पाकिस्तान में सुकून आए। अभी माशाल्लाह से इमरान खान साहब हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो। लेकिन मेरा ये वीडियो मकसद बनाने का ये है कि आपका जो मीडिया है ना, इसको अब मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो अब फैलता है, मतलब देखते हैं लोग, तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी बात जो है ना वो आपके मीडिया तक, कोई एक चैनल भी अगर आपका अच्छा निकल आता है ना, तो जितने भी ये गद्दार आपके मुल्क में है ना, जो आपके मुल्क को तबाह करते हैं, जो लोग चाहते ही नहीं है कि इंडिया का नाम बने, इंडिया का नाम रोशन हो, मतलब हम भी खुश होते हैं कि यार हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक ही माँ बाप के दो ही मतलब बेटे बनते हैं, तो ये इन्होंने खराब किया हुआ है। मीडिया ही जगाता है ना जी, अवाम को देखे ना जी, मीडिया जगाता है। मीडिया का काम है कि अवाम को उठाना, वही बर्बाद करता है और वही उठाता है। आपका मीडिया आपको दबा रहा है, खत्म कर रहा है। मीडिया आपका सिर्फ मतलब रोंग साइड पर चलता है, एक आंख उन्होंने रखी है, रोंग साइड पर चल रहा है। मतलब सिद्धू पाद के बाद उसको इतना उछाला है इन्होंने, इतना उछाला। अरे भाई वो आया है, मतलब प्यार है ना हमारा उसके, इमरान खान साहब से प्यार है, उनकी अपनी दोस्ती है, उसके लिए आया, उसके लिए आपका मीडिया इतना इन्होंने लूस बातें की हैं, इतना कुछ किया है, ये जो खास करके जो गुंडा कर दिया है अवधेश राणा शाना हो गए, जितने भी आपके लोग हैं, इनको तो खैर मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अभी ये मेरे भाई भी सऊदीया के हैं, अभी इनसे पूछे जरा कि मतलब ये सऊदीया में बड़ा कुछ जानते हैं, इनसे ही पूछे कि आपका क्या चलता है उधर। मैं कुर्बानी के हवाले से बात करना चाहूंगा, बाकी नवीद भाई ने अच्छी बातें की सारी। इंडिया में जो है ना कि कुर्बानी का जो होता है ना सिलसिला, उसमें ये जानवर उनके उठा लेते हैं जबरदस्ती, तो उनको कुर्बानी नहीं करने देते। तो वो ये, मैं तकरीबन 4 साल से सऊदी अरब में हूँ, तो वहाँ पे अल कबीर के नाम से ना बहुत बड़ी कंपनी है, वो सारा इंडिया से गोश्त आ रहा है। तो सबसे हाई लेवल पे जो बिजनेस है ना गोश्त का, वो इंडिया का है। वहाँ के मुसलमानों को एक दूसरे रास्ते पे लगाया हुआ है कि हम गाँव गाय को मानते हैं, उसको जबह ना किया जाए, ऐसी उल्टी सीधी बातें करके उस रास्ते से हटा के ये गोश्त का बेसिकली बिजनेस करते हैं और हाई लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो बाकी अभी मतलब मेरे भाई, इनका कहने का मकसद ये था कि आपका जो मतलब ये लोग जो बिजनेस करते हैं ना, अभी आप लोग गाय को लेके बैठे हो। अभी मैं एक छोटा सा लिंक गाय का भी आपको दिखाऊंगा किसी दिन, कि अगर कुर्बानी में कुछ गलत होता ना तो ये गाय ऐसे नहीं करती। मैं एक छोटा सा लिंक आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरे इस भाई का कहने का मतलब ये था कि आपके हिंदू लोग हैं जो बिजनेस करते हैं गोश्त का और ये कुछ करते हैं, और आप लोगों को अपने इंडिया पर लड़ा रहे हैं ये चीजें। मतलब आपका जो सोशल मीडिया है, खास करके मेरा जो मेरा मेन मकसद है ना, वो भी कर वो जिन लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, उनके लिए मैंने ये नीचे लिंक डाले हैं। अपने जितने भी मेरे मतलब चैनल है ना, हमारे न्यूज के चैनल है, उनके मैं लिंक डालू, आप डेली आप बुलेटिन देखा करें। मतलब सोशल मीडिया से पता चलता है कि कौन सा मुल्क कैसे चल रहा है। आप लोगों को मतलब वो ठीक है, वो झूठ बोलते हैं, लेकिन आप लोगों की जहालत इतनी है, इतने आप जाहिल लोगों के यूट्यूब पर क्या चीजें मिलती है, हर चीज मिलती है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, यूट्यूब देखा करो, उसमें आपको क्या पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है। ये चीज आप कोशिश किया करें, इसको मतलब देखा करें। मुझे मैंने सुनता हूँ कि पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं ये लोग, इंडियन इतने लोगों को डराया हुआ है, ऐसा क्यों है? हम लोग भाई हैं, बहने हैं, हम सब मतलब एक मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, और इन लोगों को इतना तबाह किया हुआ जिसकी गवाद नहीं। अच्छा, मैं कोशिश, एक तो ये बिजनेस करते हैं ना, दूसरा वहाँ का ये बलि वगैरह का गोश्त
بزنس بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو حرام گوشت بھی کھلا رہے ہیں. بزنس بھی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو خراب بھی کر رہے ہیں ساتھ اپنے. بس یہ دیکھیں نا, یہ سسٹم ہے نا. اب یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا, آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے, اور میرا بہت ساتھ دینا ہے آپ کے میڈیا کو. اب میں پیچھے لا گیا ہوں کیونکہ آپ میڈیا کا میں ایک چینل بھی میں نے اگر سچ پہ لے آیا نا, تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, بہت اچھا ہوگا. جتنی بھی یہ دو نمبری, جتنی بھی یہ گنڈا گردی آپ لوگوں کی ہندو کی چڑھ رہی ہے نا, یہ ان شاء اللہ سے میں ختم کر کے چھوڑوں گا. اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ میرے بھائی میری بہنیں یہ ویڈیو کم سے کم ایک میڈیا تک ضرور جانا چاہیے. ابھی کے لیے میں چلتا ہوں, میرا ویڈیو اتنا چھوٹا کافی ہے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی میرے بھائیوں سے بہنوں سے. چلتا ہوں میں ابھی, السلام علیکم, بائے بائے, خدا.